सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी जय श्री राम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भजन की सिद्धि कब होती है, कब हमें समझना चाहिए कि अब हमारा भजन सिद्ध हो रहा है, हमारे भजन की वृद्धि हो रही है, हमारे भजन का नाश नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा भजन दिन रात दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जब हमारे भजन में वृद्धि होती है तो हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें आती हैं, कुछ ऐसे गुण आते हैं जिनसे सामने वाला हमें देखकर और परखकर भी समझ जाता है कि ये भजनानंदी है, ये भजन करता है, ये श्री राम जी का उपासक है। ऐसी कुछ बात आपको आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो सबसे पहली बात है, अगर आपके अंदर सम्मान प्राप्ति की इच्छा नहीं रही है, आप अपना सम्मान नहीं चाहते हैं, बल्कि आपके पास आपसे कोई आयु में छोटा है या फिर वो किसी भी वर्ण का है, आप सबको समान भाव से देखते हैं, आपके अंदर श्रेष्ठता का अभाव नहीं है, अपने आप को आप श्रेष्ठ नहीं समझते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपका भजन परिपक्व अवस्था की तरफ है, यानी कि आपका भजन असिद्धि की तरफ जा रहा है। इसी के विपरीत अगर आपके हृदय में सम्मान की इच्छा जागृत होती है, आप कहीं जाते हैं वहां पर आपको आदर पाने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो अभी आपका भजन सार्थक नहीं है, अभी आपका भजन अधकुचला भजन है। हमारे अंदर जब हम भजन करते हैं तो फिर हमारे अंदर सम्मान की इच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो जानी चाहिए। जो सबसे दूसरी बात है वो है कि हमारे अंदर वैष्णवों के प्रति उनका आदर सत्कार होना, उनका सम्मान करना, कहीं पर अगर हमें वैष्णव मिल जाते हैं तो उनको यथा योग्य सम्मान देकर, उनके चरण स्पर्श करकर, उनसे कोमल वचन में उनका अभिवादन करें, उनका इष्ट का उनसे नाम सुनाएं, तो इससे हमारे भजन की परिपक्व अवस्था होती है। और इसी के विपरीत अगर हम वैष्णवों की निंदा करने लग जाते हैं, साधु संतों की निंदा करने लग जाते हैं, और भी जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, जो भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, हम उनको छोटा समझने लग जाते हैं, हम उनमें और अपने आप में तुलना करने लग जाते हैं कि मैं तो इतना भजन करता हूं और ये क्या दो चार माला कर लेता है, हो गया बड़ा भजनानंदी, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह होता है कि आपके अंदर अभी अहंकार का बीज है, आपके अंदर अभी अहंकार भरा हुआ है। जब तक आपके अंदर से यह अहंकार नहीं जाता है, तब तक प्रभु आपके मन मंदिर में नहीं विराजते हैं। जो तीसरी बात है वो है दूसरों को आशीर्वाद देना, दूसरों को उनके कार्यों के लिए उनको आशीर्वाद देना। यह बात सुनने में तो बहुत ही अटपटी लगती है, लेकिन है ये बहुत ही काम की। जब हम थोड़ा सा भजन साधन करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर भजन की शक्ति आने लग जाती है और हमारे मुख से जो शब्द निकलता है वो सिद्ध हो जाता है। वो होता किस लिए है? जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर सात्विक की गुण बढ़ता है और भजन का वह प्रभाव होता है। चूंकि हम किसी से कह देते हैं कि तेरा ये फलाना काम हो जाएगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तो इससे हमारे भजन की कमी होती है, इससे हमारा भजन नष्ट होता है। और
इससे हमारे अंदर एक अहंकार भी उत्पन्न होता है और अपने आप को श्रेष्ठ हम समझने लग जाते हैं। और जहां पर श्रेष्ठता का अभाव आया, जहां पर हमारे अंदर अहंकार आया, उसी समय प्रभु हमसे किनारा कर जाते हैं, श्री राम जी हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। हमारे अंदर प्रभु को प्राप्त करने की सच्ची ललक होनी चाहिए। हमारे मुख से सब शब्द निकले, अगर कोई हमारे पास आता है तो उससे हम कहें कि प्रभु सब कर लेंगे, प्रभु से प्रार्थना करो, हम तो उनके एक तुच्छ सेवक हैं, वो तो एक चींटी को पर्वत चढ़ा सकते हैं और बहुत से ऐसे ऐसे कार्य वो कर सकते हैं जो आम लोगों को जब वह देखते हैं तो उन्हें वह चमत्कार लगते हैं। भक्त और भगवान का क्या रिश्ता होता है? सेवक और स्वामी का रिश्ता होता है। सेवक का मतलब होता है अपने स्वामी की आज्ञा के अधीन रहना, न कि अपने स्वामी का बल को लेकर उनसे उनके बल से अपनी श्रेष्ठता बढ़ाना, अपने सम्मान को बढ़ाना। तो फिर इस जगह पर भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो टूटता जाता है। भक्त के अंदर हमेशा होनी चाहिए कि चराचर जगत सब मेरा प्रभु है, सब मेरे प्रभु सब रूपों में विचर रहे हैं, मेरे श्री राम जी हैं, हमारे लिए कौन छोटा है, कौन बड़ा है, हम किसे आशीर्वाद दें, किसे हम क्या कहें, ये सब बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक जो परिपक्व अवस्था हो जाती है, जब हमारा निरंतर भजन चलने लग जाता है, जब हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे रोम रोम से श्री राम नाम का जाप होने लग जाता है, जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम प्रभु को अपने हृदय में देख लेते हैं, जब हम भगवत प्राप्त कर लेते हैं, उस समय हमें वो शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनसे हम जन कल्याण में प्रभु की आज्ञा से उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उस अवस्था पर नहीं हैं, तब तक हम किसी को ना आशीर्वाद दें, ना हम किसी को कोई ऐसा कार्य बताएं जिससे कि हमारे अंदर श्रेष्ठता का अभाव आए। अगर अभी एक छोटा पौधा है, आप समझिए इससे, एक छोटा पौधा है और वह अभी उसमें थोड़ी सी पत्तियां उगी हैं, और उस पेड़ को अगर हमने खुले में छोड़ दिया तो फिर बहुत से ऐसे जानवर हैं जो उसे मूल सहित समाप्त कर सकते हैं, उसे जड़ सहित मिटा सकते हैं। लेकिन जब वही पौधा एक बड़ा आकार ले लेता है, जब वह एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, तब वही पौधा हमको छाया देता है, फिर वह अपनी छाया से और अपने जो उनके अंदर गुण होते हैं फल देने के, उनसे वो फल देता है, वो सब का सब कुछ करता है। लेकिन जब तक उसकी वो परिपक्व अवस्था नहीं होती, तब तक उसे हमें संभाल के रखना पड़ता है। इसीलिए जब तक हम की हमारी भजन साधन में परिपक्व अवस्था नहीं है, जब तक हमारे अंदर हमने प्रभु को नहीं देखा है, तब तक हमें कभी भी श्रेष्ठता का अभाव अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। अगर आप भगवान श्री राम नाम जाप के उपासक, अगर आप किसी से कुछ कह देते हैं, आप किसी से कोई वचन दे देते हैं, तो वह आपका वचन फलीभूत हो जाएगा, क्योंकि श्री राम जी के नाम में वो शक्तियां हैं जो हर कार्य बड़ी आसानी से कर सकती हैं। भक्त के लिए भगवान तो हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भक्त को भी अपने आप पर यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम प्रभु से कैसा बर्ताव रखें, अपना संबंध कैसा रखें। जब भरत जी से श्री राम जी ने कहा था कि मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, जैसा भरत कहेगा वैसा ही होगा, लेकिन भरत जी की वहां पर निष्ठा देखिए, भरत जी ने अपने सेवक का और स्वामी का वहां पर फर्ज निभाया और स्वामी की आज्ञा मानकर, अपनी बुद्धि से उनकी आज्ञा मानकर वह अयोध्या में वापस लौट गए। तो भक्त और भगवान का सेवक स्वामी का संबंध होता है। सेवक को स्वामी स्वामी के भाव को देखना चाहिए, यानी कि जो स्वामी का भाव है उस भाव को समझना चाहिए और उनके भाव के अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए। ये सब बातें अगर आपके अंदर आ गई हैं तो आपका भजन परिपक्व अवस्था की तरफ है,
और आपका भजन बढ़ रहा है, आपका भजन सिद्धि की अवस्था की तरफ जा रहा है। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।